दुर्ग में पिछले दिनों पेट्रोल पंप के पीछे हुए हत्या के मामले में फरार आरोपी को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने दो आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भी भेज दिया है। आपसी विवाद के बाद शराब के नशे में युवक की हत्या कर देने वाले दो दिन पुराने मामले को सुलझाने में पद्मनाभपुर थाना पुलिस को सफलता हाथ लगी है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है, जहां से उन्हें जेल में भेज दिया गया है। बता दें कि नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग चिराग जैन ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 18 मार्च की सुबह मनीष पेट्रोल पंप के पीछे पोटिया क्षेत्र में तोपचंद रितलहरे वार्ड 54 कुंद्रापारा पोटिया बस्ती का निवासी शव मिला था। साथ ही बताया था कि 17 मार्च की दोपहर को तोपचंद अपने 5 दोस्तों विष्णु साहू, राजू मारकंडे, अनिल कुमार ठाकुर, अनिल नवरंगे, वीरू सतनामी के साथ शराब पार्टी मनाने मनीष पेट्रोल पंप के पीछे गया हुआ था। पार्टी मनाने के बाद देर शाम को तीनों दोस्त वहां से चले गए थे। इसके बाद घटनास्थल पर तोपचंद रितलहरे एवं उसके साथी अनिल नवरंगे व वीरू सतनामी के साथ लगभग 4 माह पूर्व किसी बात को लेकर विवाद हुआ। शराब की पार्टी करने के बाद नशे में धुत पुरानी बात को लेकर आपसी विवाद करने लगे। इस दौरान गुस्साए आरोपी अनिल एवं वीरू सतनामी ने तोपचंद के साथ मारपीट करने के बाद पत्थर से वार कर दिया। इससे तोपचंद को सिर एवं शरीर के अंदरूनी हिस्सों में गंभीर चोटें आई और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। इस संबंध में उन्होंने जानकारी बताई। पन्नापुर थाने के अंतर्गत मनीष पेट्रोल पंप के पीछे 18 मार्च को सुबह लगभग 7:45 बजे के करीब एक डेड बॉडी पाई गई। उसको आइडेंटिफाई किया गया, उसका नाम जिस जो व्यक्ति मृत था उसका नाम था तोपचंद रितलहरे। और पूछताछ पर यह पता चला कि ये लोग 17 तारीख को यानी पिछले दिन लगभग दोपहर के 12 बजे 6 लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे पार्टी के लिए। उसमें से थोड़ी देर के बाद 3 लोग वहां से चले गए और 3 लोग वहां बचे थे और वो हैवीली इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में थे। उनके बीच में पहले भी विवाद हुआ था लगभग 4 महीने पहले और उस दिन भी वो उसी विवाद के चलते झगड़ा हुआ। उसमें से 2 लोग जिनका नाम था अनिल नवरंगे और वीरू सतनामी, उन्होंने तीसरे व्यक्ति यानी कि तोपचंद रितलहरे का कत्ल कर दिया उस दिन एक पत्थर का इस्तेमाल करते हुए। और उसमें आज हमने सुबह अनिल नवरंगे को अरेस्ट किया और वीरू सतनामी ने आज ही कोर्ट में सरेंडर किया है और हम उसमें पुलिस रिमांड लेंगे उसकी। ये आरोपी तिल्दा रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया है और वो भागने की कोशिश कर रहा था। अभी ऐसी जानकारी नहीं है उनके पिछले क्रिमिनल रिपोर्ट्स में। एसीएन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।